हेलो गाइस। तो आज फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पर एक मीवी रोम 2 स्पीकर की। ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है, आप देख सकते हो। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, पूरी तरीके से अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं की है। इसके अंदर से यहाँ पर हमको ये मीवी रोम 2 का जो बॉक्स है वो निकल जाता है इस पैकेजिंग के अंदर से। पहले इस स्पीकर को खोलते हैं और फिर इसको चेक करते हैं ये स्पीकर कैसा है। तो चलिए दोस्तों, एक बार खोल लेता हूँ इधर से। तो दोस्तों, इसके अंदर से यहाँ पर हमको एक बॉक्स निकला है जिसके अंदर से स्कैन दिस मतलब 1 साल की वारंटी मिल जाती है। आप अगर इसको स्कैन करके व्हाट्सएप पे यहाँ पर इनके पास डाल दोगे तो ये इसका इनवॉइस मिलता है। इनवॉइस मतलब इसको आप पढ़ के यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो, कैसे इसको यूज़ करना है। बाकी दोस्तों, ये रहा हमारा ब्लूटूथ स्पीकर और देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिलता है। एक यहाँ पर इसके साथ बहुत ही छोटी सी वायर मिली है जो इसको चार्जिंग करने के लिए यूज़ आएगी। और बाकी दोस्तों, एक इसके साथ यहाँ पर फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें हम सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। एक ये मिली है इसके साथ, ये भी काफ़ी छोटी सी है। तो चलिए दोस्तों, इनको रखते हैं साइड में, हम देख लेते हैं स्पीकर को। तो दोस्तों, ये मैंने ब्लू कलर में मंगाया है, आप देख सकते हो इस कलर में ये, और इसके पीछे मीवी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों, स्पीकर बहुत ही अच्छा है। ये आगे मेटल का, इसके ऊपर एक ये लगी हुई है जाली, और बाकी इसके एक ये रबड़ बैंड मिल जाता है इसको पकड़ने के लिए। आप इसको यहाँ पर इसे ऐसे पकड़ के कैरी कर सकते हो। बाकी इसमें दोस्तों 4 प्रकार के बटन दिए हुए हैं। ये प्लस यानी कि वॉल्यूम अप करने के लिए, वॉल्यूम डाउन करने के लिए, इससे हम म्यूजिक को रोक सकते हैं। बाकी इससे ये ऑन होगा, अब इसको ऑन करके देखते हैं हम। तो दोस्तों, ऑन हो चुका है यहाँ पर स्पीकर हमारा। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी देखेंगे, और आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर ये वाटर प्रूफ है, इसका वाटर टेस्ट भी करेंगे। इसमें फुल यूज़ है, आप इसको देख सकते हो। दोस्तों, आपको बता दूं, इसमें यहाँ पर आप SD कार्ड नहीं डाल सकते हो, आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर ये लगाने का दिया हुआ है, और एक यहाँ पर इसमें जैक पॉइंट मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए। बाकी इसके अलावा आप इसको ब्लूटूथ से ही कनेक्ट करके यहाँ पर चला सकते हो। इसके अलावा आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है वो अभी चेक करते हैं, आपको साउंड क्वालिटी को बताते हैं और फिर बताते हैं कि आपको ये स्पीकर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये ब्लिंक कर रही है पेयर होने के लिए, यहाँ पर ये स्पीकर रेडी है। तो मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, और यहाँ पर सर्च करके मीवी रोम 2 लिखा हुआ आ चुका है। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ इसको एक बार कनेक्ट। ये देखो दोस्तों, आप यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया है, और इसकी बत्ती बिल्कुल जलने लग गई इसकी। तो चलिए दोस्तों, इसमें एक गाना प्ले करके दिखाता हूँ, फिर आपको उसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, काफ़ी अच्छी बेस इसकी यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बेस है। चलिए मैं इसकी एक बार आपको ये जाली उतार के दिखा दे। आप इस प्रकार से इसकी जाली भी को भी निकाल सकते हो। दोस्तों, अब आप देख सकते हो इसमें 2 स्पीकर, यहाँ पर एक स्पीकर दिया हुआ है और एक बेस के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसको। चलिए मैं आपको यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी अभी चेक करवा देता हूँ स्पीकर को भी। पर ये स्पीकर दिखा दिया है। चलिए अब इसको वाटर टेस्ट करते हैं। बाकी इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा बेस इसके साथ मिल जाती है, और इसकी वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह मिल जाती है कि यह वाटर प्रूफ है। दोस्तों, चलिए इसका वाटर टेस्ट करके देखते हैं। अगर ये वाटर प्रूफ यहाँ पर निकल जाता है तो इसको यहाँ पर 10 में से 10 रेटिंग मैं दूंगा खुद, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पीकर है। इससे अच्छा तो कोई स्पीकर ही मुझे नहीं लगा आज तक। चलिए दोस्तों, बाकी इसको हम वाटर टेस्ट करते हैं और फिर इसको देखते हैं कि यह